सिंगापुर को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। यहाँ मुख्य रूप से चाइनीज और अंग्रेजी भाषा प्रचलित है। यहाँ कई तरह के मनोरंजक स्थल हैं। साथ ही यह आधुनिक तकनीक तथा सर्व सुविधा युक्त संपन्न शहर है। अगर आप भी विदेश भ्रमण करना चाहते हैं तो सिंगापुर द्वीप को चुनना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कई धर्मों में विश्वास रखने वाले विभिन्न देशों की संस्कृति, इतिहास तथा भाषा के लोग एकजुट होकर रहते हैं। सिंगापुर दक्षिण एशिया में मलेशिया तथा इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। वैसे तो सिंगापुर को सिंहों का पुर माना जाता है, यानी इसे सिंहों का शहर भी कहा जाता है। सैर सपाटों की दृष्टि से कई प्रकार के मनोरंजक स्थल मौजूद हैं, जो पर्यटकों का मन लुभाते हैं। विश्व के सबसे प्रमुख बंदरगाहों में से एक सिंगापुर है तथा यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। यहाँ का हवाई अड्डा आधुनिक तकनीक तथा सर्व सुविधा संपन्न है। यहाँ के कई मनमोहक दृश्य देखने के बाद आंखों के सामने उन नजारों को हटाना मुश्किल सा लगता है। सिंगापुर का रुख करने के बाद अगर आप वहां भारत देखना चाहते हैं तो एक स्थान ऐसा भी है जहां पर भारतीय खानपान और सारी अन्य वस्तुएं आसानी से मिल जाती हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, वो और कोई जगह नहीं बल्कि लिटिल इंडिया है। तो चलिए दोस्तों, फिर आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए हम आपको सीधे लिए चलते हैं लिटिल इंडिया में। सिंगापुर में हम पैदा इधर हुए थे। अच्छा। अगर इस दुकान को 14 साल हो गए हम सिंगापुर में खड़े हुए हैं और 14 साल आगे आगे आलू जी। तो हम बढ़िया काम करते हैं, हम बढ़िया शेफ हैं, लोकल हैं। हमको खाना बनाने का बहुत शौक है, काटने फाड़ने का बहुत शौक है, नान बनाने का बहुत शौक है। तो यानी ये पूरा फैमिली बिजनेस है, यहाँ पे बच्चों के साथ आप यहाँ पे लगे हुए हैं। जी जी सर, जी सर। तो क्या कुछ नया बदलाव आया है सिंगापुर में? सिंगापुर में बदलाव है, को स्पेशल कुछ भी चाहिए तो हम बना सकते हैं जी। हमारा चिकन मसाला है, मटन है, बटर चिकन है, कीमा है, ये दाल है, वो चना है, पालक पनीर है, मटर पनीर है, आलू गोभी है, चिकन तंदूरी चिकन टिक्का। फिर भी कहते हैं कि एक बार घर की याद जरूर आती है, तो ठीक है जी। इंडिया कभी गए हैं? इंडिया गए हैं? यस सर, शो हम इंडिया में गए, अमृतसर में गए हम, गोल्डन टेम्पल। तो परिवार आज भी, मतलब जो पूरे पुराने पूर्वज है वो तो अभी भी इंडिया में ही होंगे? हाँ हाँ हाँ, पुराने आदमी नहीं, अभी जो ग्रैंडफादर वो तो चले गए हैं, लेकिन परिवार सारा इधर ही, पोते पोतियाँ सब, ग्रैंडफादर सब हिंदी पंजाबी बोलते हैं जी। तो यहाँ पे पूरा परिवार सिंगापुर में रहता है? जी जी जी। और अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो है प्राइजेस को लेकर के क्या कहते हैं? जी जी, प्राइजेस कैसे रहते हैं यहाँ पे? प्राइस थे जो बड़ा चिकन बड़ा है वो 6 डॉलर का है, छोटा 4 डॉलर का है जी। और जो छोटा चिकन मसाला 4 डॉलर का, बड़ा 6 डॉलर का, मटन छोटा 4 डॉलर का, बड़ा 6 डॉलर का। अच्छा, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दुकान बहुत छोटी है, तो क्या ये सारी चीजें यहीं पे बनती हैं या आप बना के लाते हैं? नहीं नहीं, इधर है हमारा बनाने वाली जगह, इधर है। अच्छा, मतलब इतनी सी जगह में आप सब कुछ बना लेते हैं यहाँ पे? सारा को बना लेते हैं इधर ही। कितने घंटे की सर्विस है यहाँ पे? यहाँ सर्विस है जो खाने की है वो 3 घंटे की है। अच्छा। और 2.5 घंटे की भी है, 3 घंटे की भी है, और दोबारा फिर तड़के मारने हैं तो सारे सामान को तो 1 घंटा लगता है। और सुबह, मेरा कहने का मतलब है, सुबह कितने बजे आ जाते हैं आप यहाँ पे? यहाँ सुबह खुलती है दुकान 4 बजे सुबह खुलती है और 9 बजे तक खाना बना के घर चले जाते हैं। अच्छा। और उसके बाद दोपहर को तड़का मारते हैं, फिर दोबारा सब चीज को गार्लिक का मटर टमाटर सारे पा के अच्छी तरह फिर बनाते हैं। मतलब डेली इस रेस्टोरेंट से, मतलब कितने लोगों का आप मतलब खाना खिला? जाने के 500 का जहाँ 700 बंदा रोज खाता है, रोज खाना खा रहा है जी सर। चलिए, और क्या कहना चाहते हैं इंडिया वालों के लिए, क्या मैसेज है? इंडिया लिए बहुत बढ़िया है, हम दिल्ली में गए थे, अमृतसर में गए, बहुत प्यार करते हैं, मजा करते हैं, बहुत हरिए है हमारे लिए, एनआर के लिए तो बहुत अच्छे हैं भाई, और बाकी पता नहीं है। हाँ जी, चल एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। थैंक यू सर। और जी जी बताइए। हाँ हाँ,
और तंदूर तंदार खाना गार्लिक नान चीज नान बटर नान सब बना लेते हैं अच्छी तरह। ये बहुत स्पेशल है, 14 साल हो गए हैं, इसका नाम है पाक कश्मीर। यानी ये सर्विस आप दुकान पे नहीं मतलब बाहर भी दे सकते जी, पार्टी फंक्शन सब कर लेते हैं। तो एक अपना ये लोकेशन आप बता देंगे ताकि हम कस्टमर जी तिखा मार्केट ते ब्लॉक 665 बफलो रोड। और अगर आप संपर्क करना चाहें कोई मोबाइल नंबर आपका सर? यस मेरा 9074-1991। थैंक यू सर। ऑलराइट सर।